क्लास नाइन्थ फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर सिक्स लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम इसकी टोटल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज 6.1। और 6.1 आपके लिए एकदम कॉमेडी हो जाएगा, प्लीज़ आप इसके फुल एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, 10 मिनट्स को हम देंगे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसकी पूरी प्रॉपर्टी हम फर्स्ट क्लियर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले चलते हैं चैप्टर का ही मीन्स हम समझते हैं कि व्हाट इज लाइंस एंड आल्सो एंगल्स। सो व्हाट इज लाइन, अगर आपसे कोई डिस्कस करे कि लाइंस क्या है, लाइन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका एंड पॉइंट होता है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लाइन, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो कि वो कहाँ तक जा रही है, इस मतलब लेंथलेस हो। लेंथ तो है लेकिन ये फिक्स नहीं है कि वो कितना लेंथ है, क्लियर? तो एरो के अकॉर्डिंग हम इसे सिंबल देते हैं। तो सपोज अगर हम इसे पॉइंट ले लें यहाँ पे ए एंड बी, अगर हम पॉइंट की बात करें तो ए बी आपका क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक तो फिक्स्ड है, लेकिन ये एरो आपका लाइन है, क्लियर? तो अगर लाइन का डिफिनेशन हम बात करें तो हम क्या पे यहाँ पे राइट करें, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ नो एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, क्लियर? इज कॉल्ड लाइन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अ पोर्शन ऑफ लाइन विथ नो एंड पॉइंट, मतलब इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इट्स कॉल्ड लाइन। और अगर इसी में बात करें कि लाइन सेगमेंट क्या है, तो आप सिर्फ ये राइट करिएगा, अ पोर्शन ऑफ लाइन, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, चलिए अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, जैसे हम यहाँ पे बात करें, देखिए टू पॉइंट्स हैं, विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर हम इसे डिनोट की बात करें कि इसे डिनोट आप कैसे करें, तो देखिए अगर हम यहां पे लाइन की बात करें, लाइंस की बात करें, तो आप इसे शो कर सकते हैं ए बी, और यहां पे आपको एरो देना होगा, यह आपका सिंबल है, जैसे हम हर चीज़ों का सिंबल देते हैं, जैसे हमने लेट किया एक्स, वैसे ही आपको अगर लाइन का सिंबल शो करना है तो ए बी के मतलब एबव साइड उसके ऊपर में एक एरो का सिंबल दे सकते हैं। अगर आप लाइन सेगमेंट का सिंबल देना चाहते हैं, किससे डिनोट करना है, तो आप ए बी के यहाँ पे एक डैश कर दीजिए, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ भी एंड पॉइंट है, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट का और ये हो गया आपका लाइन का सिंबल, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सर दिस इज कॉल्ड एंगल, सर दिस इज कॉल्ड एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल सॉरी, एंड एक्यूट एंगल। तो हमें एक्सप्लेनेशन जो इसका डेफिनेशन है वो ऑलरेडी इसी डायग्राम पे है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको अगर हम गौर से देखें तो एक पॉइंट है और यहाँ से एक रेज बाहर निकली हुई है और यहाँ भी एक रेज बाहर निकली हुई है। अब रे क्या होती है, रे एक पॉइंट से जब आपका कोई भी लाइन बाहर की ओर ड्रा होती है, लाइन सेगमेंट नहीं, तो समझ जाइए वो क्या है, रे है। तो टू रेज को अगर हम ऐड कर दें एंड पॉइंट पे, तो क्या एक शो करता है, एंगल शो करता है, तो वही है आपका एंगल्स। तो एंगल्स का डिफिनेशन क्या हुआ, सो एंगल में आप लिखेंगे व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, सिंपल, ठीक है? या फिर आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे कॉमन के बाद एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, या तो फिर आप यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं कि देन
एन एंगल इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड मतलब वहां पे आपका एक एंगल ड्रा हुआ, क्लियर। तो चलिए हमने डेफिनेशन तो क्लियर कर लिया कि लाइन एंड एंगल्स एग्जैक्ट क्या है। अब यहां आप बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 90, जस्ट इस पेज के बैक साइड, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो यहां पे ऑलरेडी लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन है, देख सकते हैं। रिकॉल दैट अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जिसके टू पॉइंट्स फिक्स्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। एंड रेज, रे की बात हम तो ऑलरेडी बता चुके हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। और यहाँ पे आपका डिनोटेड सिंबल भी हमने शो कर दिया, रे का आपका ये है, हमने नहीं बनाया है, तो आप देख सकते हैं रे का एक पॉइंट होगा और एक एरो होगा। लेकिन अब जब लाइन का करेंगे तो एरो होगा बोथ साइड, एंड लाइन सेगमेंट का सिंपल एक लाइन रहेगी। और आगे हम चलते हैं तो हमें मिल रहा है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सेम वे पे होते हैं। जैसे चलिए इसे प्रैक्टिकल भी आपको दिखाई देना है, जैसे ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो हम इसे कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, क्लियर। लेकिन अगर एक स्ट्रेट वे पे पॉइंट नहीं है, कहीं इधर है कहीं इधर है, तो ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए, ठीक है। ये क्या हो गए आपके नॉन, क्योंकि एक लाइन पे ये शो नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर। यहां पे आप शो भी कर सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, और नॉन कोलिनियर ए बी सी डी ई एफ। तो ये आपके हो गए ए बी सी डी ई एंड एफ, क्लियर। अब आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, यही राइट होगा। इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स, मतलब ये जरूरी नहीं कि थ्री पॉइंट्स हो, उससे अबव भी हो सकते हैं, ऑन द सेम लाइन, किसी एक लाइन पे ही हो, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर वो एक स्ट्रेट वे पे नहीं है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसके बाद आपका है एक्यूट एंगल आल्सो, यू नो दैट, सो वेरी इजी, सिंपल है कि एन एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 0 to 90, 0 से 90 होगा तभी एक्यूट होगा, क्योंकि जैसे ही 90 हो जाए, ठीक है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं वो 0 एंगल हो जाएगा, 0 से 90 इनके बीच होना चाहिए तभी वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल्स तो फिक्स्ड है, 90 ही होना चाहिए, ना तो लेफ्ट नो राइट, फिक्स्ड होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। तो राइट एंगल को आप क्या बोलेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। अगर आप राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं एक्यूट एंगल का, एन एंगल हुज मेजर लाइ बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी क्लियर है, 90 से ग्रेटर हो, 180 से लेकिन कम हो, लीस्ट हो, ठीक है, यानी कि 90 to 180, मतलब बिटवीन 90 to 180। तो ऑब्ट्यूस क्या हुआ, एन एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 90 degree एंड 180 degree इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। स्ट्रेट एंगल, अब ये फिक्स्ड है, जैसे 90 फिक्स्ड है वैसे 180 फिक्स्ड है, तो स्ट्रेट एंगल का जैसे यहाँ पे डेफिनेशन हमने आपसे बताया वैसे आप 180 का ही बोल सकते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 180 degree, एन एंगल हुज मेजर 90 degree इज कॉल्ड राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 degree इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल, 180 से अबव हो और 360 से कम हो, जैसे यहाँ पे बात हुई 90, तो ऑब्ट्यूस रिफ्लेक्स सिर्फ एंगल से डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एन एंगल हुज मेजर लाइ बिटवीन 180 to 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है एक्यूट एंगल के बारे में, सभी के बारे में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, याद रखिएगा, बस इतना जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, लेकिन इसमें एक लॉजिकली है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कॉपी पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री तो आप ऑलरेडी जानते हैं 90 डिग्री को में ही होता है,
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ओनली टू एंगल ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। 90 डिग्री है बट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा इसमें टू से मोर मतलब टू से ज़्यादा एंगल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अगर आप राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं, टू एंगल आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90, या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में द सम ऑफ ओनली टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, या आप क्लियर सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ओनली टू एंगल्स। एंड सेम सप्लीमेंट्री का भी वही है, 180 डिग्री होगा, कोई भी एक एंगल ड्रॉप कर लीजिए कहीं पे भी, ये दो एंगल बहुत एंगल्स को ऐड करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका सप्लीमेंट्री डिफिनेशन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ओनली टू एंगल्स, मतलब टू एंगल से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर टू एंगल से ज़्यादा हुए तो वो फिर आपके किस में आ जाएंगे, लीनियर पेयर या तो फिर स्ट्रेट लाइन एंगल्स पे, क्लियर। चलिए उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट डार्क एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो कॉर्नर, जैसे ये आपका एडजेसेंट मतलब कॉर्नर को बोलते हैं सीधे सीधे, को मतलब कॉर्नर, जैसे ए बी डी और डी बी सी, जो कॉर्नर में जो एंगल बनते हैं उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना, एडजस्ट करिए, उसी से ये नेम आया एडजेसेंट, क्लियर। ये देखिए एडजस्ट हो रहे हैं टू एंगल्स, सिंपल, उसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर दिया है एडजेसेंट एंगल इज द अर्लियर क्लासेस टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नन कॉमन आर्म, मतलब उसमें कॉमन आर्म हो या फिर नन कॉमन आर्म, और ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे ए बी डी एंड डी बी सी। अब चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल्स, तो इसमें आपके टू से मोर एंगल्स हो सकते हैं, पॉसिबल है, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम इसमें इन्फिनाइट लाइन ड्रा कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही है एंगल ना, जितने भी आप एंगल ड्रा कर दीजिए 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट एंगल ड्रा कर दीजिए, लेकिन आप सभी को ऐड करेंगे तो एक लाइन पे ही है, तो श्योर है 180 डिग्री ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम इसे ड्रा करके दिखा रहे हैं, और आपके एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या है, कोई भी आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, आप इसे स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए आप प्रोटेक्टर ही देख लीजिए, इसको ही अगर हम गौर से देखें तो हमें इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अगर हम इस प्रोटेक्टर को देखें तो एक लाइन आपका यहाँ से देखिए कॉर्नर पर एक लाइन है, स्ट्रेट है या नहीं, बिल्कुल है, ये वही है। अब बताइए इसके एक पॉइंट है सेंटर पे, हमने भी यहाँ पे कर लिया, इसमें कितनी एंगल्स आउटसाइड हुई हैं, तो आप बोलेंगे सर 10, 1 2 3 काउंट कर लीजिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 भाई 10 का डिस्टेंस है, तो सॉरी 18 है, कितने हैं 18, तो 18 एंगल्स हैं ना, अगर हम 18 से ज़्यादा यहाँ एंगल कर दें तो जितने भी आप एंगल्स ड्रा कर लीजिए, 18 से भी ज़्यादा आप करेंगे, ये हमने कर दिया। अब क्यों, मान लीजिए 18 से 36 है, तो बाइसेक्टर तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हम अगर यहाँ बात करें 90 का बाइसेक्टर क्या होगा, तो 45 का बाइसेक्टर तो और पीछे चले जाएंगे 22.5, और उसका बाइसेक्टर तो श्योर है कि हम और उसके अंदर चले जाएंगे 11 पॉइंट हो जाएगा कुछ, फिर उसके और पीछे जाएंगे तो आपको 6 पॉइंट से मिलेगा, और उसके पीछे तो इन्फिनिटी, तो जितने भी आप एंगल यहाँ ड्रा कर लीजिए, लेकिन इसका जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 0 से 180 ही होता है। और याद रखिएगा एक्सरसाइज 6.1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर एंगल्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। माफ़ कीजिएगा हमने इसका डिफिनेशन नहीं यहाँ पे बताया, तो ये सभी रेज हैं, ठीक है, सभी रेज हैं,
अब इसका आप डिफिनेशन हम इसमें बोले दे रहे हैं, आप अगर राइट करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप राइट करिएगा इफ अरे स्टैंड, देखिए इफ अरे जितने भी हो, टू आर मोर देन, जो भी आप राइट करना चाहते हैं, तो आप राइट करिएगा इफ अरे स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, किस पे, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन द एडजेसेंट एंगल, जितने भी एंगल है, देन द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स। सिंपल, फिर से रिपीट कर रहे हैं, राइट करिएगा इफ अरे स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अरे स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स। सिंपल। और एक लास्ट है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये तो बहुत इजी है, आप जानते भी होंगे। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, कहीं पे भी, सो अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। सिंपल, इट्स कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इसका डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा, और अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 91 में ये ऑलरेडी गिवन है। वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइंस से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर से एट पॉइंट ओ, जैसे हमने आपसे बोला कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। सिंपल। नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 6.1। नाउ एक्सरसाइज 6.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट 8.0। देखिए ए बी ये आपका लाइन है, सी डी इंटरसेक्ट 8.0। और श्योर है, पहले डायग्राम अच्छे समझ लें, आपके लिए हम कॉमेडी कर देंगे। कॉमेडी बोलते हैं ना, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हम सॉल्व करते करते कॉमेडी हो जाता है, सीधे वो कॉमेडी है। देखिए कैसे इजी वे पे, ए बी एंड सी डी यहाँ पे टू ही लाइंस हैं, अभी हमने वर्टिकली अपोजिट पढ़ा, ए बी एक लाइन है, सी डी ये लाइन है, सिंपल। और ये क्या है, ओ ई, एक रेज है, एक रे है, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से सिर्फ बाहर निकला हुआ है, इसका अगर आगे होता तो ये भी एक रे लाइन हो जाता, तो ये आपका एक रे है। इसे थोड़ी देर के लिए हम फिंगर कर लिए, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये आपका ए बी और सी डी टू लाइन्स है, तो इसका मीन्स ये हुआ, ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये भी हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे गिवन है ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ ई, बी ओ ई, अगर ये एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, 70। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये 35 होगा, ये 35। भाई हम कौन होते हैं कि 35 35 बोल दें, नहीं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं 40 30 हो, फिर और कुछ चेंज कर सकते हैं, 25 35 कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन से होता है। तो चलिए इसे भी थोड़ी देर के लिए लेफ्ट करते हैं, ये तो हमें गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है, कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। और यहाँ पे एक और गिवन है, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ पे हम अपना थंब रख देते हैं, अब आप गौर से देखिए, बी ओ डी कहाँ पे है, 40, ये आपका बी ओ डी है ना, तो ये बी ओ डी का जो एंगल है यहाँ पे कितना है, 40। तो अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताया कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्टिंग 8.0 द पेयर ऑफ एंगल विल बी इक्वल, यही आपको बताया था, इट्स कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर बी ओ डी एक एंगल है 40, तो श्योर है ए ओ सी भी उतना ही होगा, तो आप यहां पे राइट कर लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में क्या आप राइट करेंगे, यहां पे हम सॉल्व स्टार्ट कर दिए हैं, तो फर्स्ट आप राइट करेंगे कि एंगल बी ओ डी, ये जो आपका गिवन है बी ओ डी, वो इक्वल होगा ए ओ सी के, किस रीजन से, तो आप लिख दीजिए वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जो फाइंड करना है उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसे तो सॉल्व कर लें। तो बी ओ डी आपका 40 डिग्री है, तो यहाँ पे आप 40 कर लीजिए, इक्वल टू एंगल ए ओ सी। इसका मीन्स हुआ कि ये आपका 40 डिग्री है। पहले हमें जो गिवन है हम उसे तो देख लें, फिर उसके बाद हम जो फाइंड करना उसे देखेंगे। अब बताइए ये दोनों बोथ एंगल्स को ऐड करते हैं, कौन सा ए ओ सी और बी ओ ई को ऐड करते हैं, तो कितना होता है 70। अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि कितना होगा 30 डिग्री। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लें कि बी ओ ई कितना है, वही तो हमें फाइंड करना था। देखिए हम बेसिकली क्वेश्चन अटेंड किए, गिवन ही अटेंड किए और हमें आंसर फाइंड हो गया। तो हमारे पास क्या है, ऑल्सो वी हैव गिवन, ठीक है, वी हैव क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ए ओ सी के प्लेस पे 40 कर दीजिए, ये 40 हो गया, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। सो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70, 40 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर 30 डिग्री। क्लियर, ये हो गया आपका 30। चलिए फर्स्ट आंसर फाइंड, आप चाहें तो पूरे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये थंब यहाँ रख दें तो ये आपका लीनियर पेयर एंगल हुआ या नहीं हुआ, और अब भी हमने जस्ट लास्ट में आपको बताया कि पूरे एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होता है 180। तो 40 30 70 हो गए ना, तो ये कितना बचा आपका 110। अगर हम समझे तो 110 है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सी ओ ई रिफ्लेक्स, अरे ये भी तो चाहिए। तो चलिए जो अभी बात कर रहे थे वही तो करना है। तो अब आते हैं हम, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। अगर आपको डाउट है तो डायग्राम आप तोड़ दीजिए, चलिए हम डायग्राम भी आपको तोड़ के दिखा दे रहे हैं। ए ओ बी, डी साइड मत बनाइए, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे है आपका सी, ठीक है, और यहाँ पे है आपका ई, ये आपका 40 है, ये 30 है, तो ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि दोनों ऐड करके आपका 70 है। हम ये फाइंड करने से एक्स कर लीजिए, ये नेम ही दे दीजिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर एंगल्स। अब आप सोच रहे होंगे सर रिफ्लेक्स फाइंड करना है, आप क्या कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्स तभी तो फाइंड करेंगे जब हमें इसका एंगल फाइंड होगा, तभी तो हम रिफ्लेक्स बता पाएंगे। क्लियर, तो चलिए उसे तो फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं ए ओ सी, ए ओ सी, दूसरा सी ओ ई जो हमें फाइंड करना है, प्लस ई ओ बी इक्वल टू, जितने भी एंगल हो 180 से ज़्यादा नहीं होंगे उसका ऐड। ए ओ सी कितना है, अब ए ओ सी और ई ओ बी ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, कहाँ से, तो क्वेश्चन पे ही भी गिवन है ए ओ सी और सी ओ बी ओ ई, तो ए ओ सी और ई बी ओ ई आपका 70 है, तो चाहें तो आप 70 डायरेक्ट लिख लीजिए और सी ओ ई को रहने दें। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70, सो सी ओ ई इक्वल टू 110, ये आपका फाइंड हो गया। तो यहाँ पे एंगल आपका कितना फाइंड हुआ 110। अब इसका रिफ्लेक्स चाहिए तो इसे भी आप अलग कर लीजिए। चलिए अगर आपको डाउट है तो वो डायग्राम को अलग कर लीजिए, हमें वो डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे है आपका ई, बाकी को मत बनाइए, सिर्फ इतने बस देखिए, और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए 110। रिफ्लेक्स क्या होता है, एक पॉइंट में आप ये बताइए एक पॉइंट में कितने डिग्री होते हैं, 360, याद रखिएगा ये पॉइंट 360 डिग्री का है, मतलब एक सर्कल की बात है। भैया प्रोटेक्टर अभी हमने दिखाया है, हाफ हाफ गए तो कितने डिग्री 180, और घूम जाइए एक बार 360, अब इसी को ही अगर हम पूरा राउंड कर दें तो 360 होता है। तो भाई रिफ्लेक्स मींस क्या हुआ, जो एंगल है उसमें 360 से माइनस कर दीजिए, वो आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा, सिंपल। तो चलिए रिफ्लेक्स फाइंड करते हैं किसका, सी ओ ई, तो हम क्या करेंगे टोटल 360 से 110 को माइनस कर देंगे, सिंपल 360 माइनस 110 0, 6 माइनस 1 5,
एंड 3 माइनस 1 2। सिंपल, यहाँ पे आपका 250 डिग्री हुआ, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? अब बताइए, कोई टफ था? कोई भी टफ नहीं था, हमने हर एक डायग्राम को ब्रेक करके आपको दिखा दिया। रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको फुल डिटेल दे दिया। चलिए सेकेंड नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लाइन एक्स वाई एंड एम एन। फिर से देखिए, ये एक्स वाई एक लाइन और एक लाइन आपका एम एन, इंटरसेक्ट 8.0। तो गौर से देखने वाली बात है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये हाँ राइट, ये एंगल इसके इक्वल होगा। चलिए ठीक है, पी ओ आई 90 डिग्री। अब गौर से देखिए, पी ओ आई 90 डिग्री, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है प्रोटेक्टर में कि अगर हम ये लाइन को देखें तो ये 90 है, तो क्या इधर देखेंगे तो वो 90 नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% होगा। देखिए, जीरो से ये लाइन गई है जो 90 डिग्री, ये 90 है। अब अगर हम इधर से देखें तो क्या ये 90 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसका मीन्स है कि ये 90 है तो ये भी आपका पूरा 90 होगा। कोई डाउट नहीं, क्लियर विथ प्रैक्टिकल। चलिए आगे देखें, ए बी। अरे बहुत से हमने वीडियो बनाया है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, कभी भी आपको रेशियो मिले किसी क्वेश्चन में तुरंत उसे कन्वर्ट कर दीजिए वेरिएबल पे। तो सबसे पहले तो भाई हम जैसे ही फाइंड करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे सॉल्व में, लेट द रेशियो ऑफ, किसकी बात हो रही है, ए एंड बी, ठीक है, इज 2x and 3x। क्लियर? ठीक है, लेट द रेशियो ऑफ ए एंड बी 2x and 3x। सिंपल, कन्वर्ट हो गया वेरिएबल में। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप ये बताइए, अब भी हमने लास्ट जब हमें एक्सप्लेन किया, कॉम्प्लीमेंट्री एक नाम आया था, हमने आपसे क्या बताया था कि 90 डिग्री हो उसके अंदर अगर एक ही एंगल हो, उन दोनों को अगर ऐड कर दें तो उसका ऐड कितना होगा, 90 डिग्री, किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। सिंपल, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यही स्टडी किया कि जब हम दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो उसका ऐड 90 डिग्री होना चाहिए, यही था। ठीक है, हमारे पास दोनों एंगल हैं, देखिए बी और ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स ओ पी, फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन एंगल एक्स ओ पी, क्योंकि एक्स ओ पी आपका 90 डिग्री है। सिंपल, चलिए ऐड करते हैं, कौन सा एंगल हमारे पास, बी और ए। चाहे तो आप नाम राइट कर सकते हैं एक्स ओ एम और एम ओ पी, या तो फिर आप राइट कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेट कर लिया कि एंगल ए का क्या है 2x और एंगल बी का 3x इक्वल टू 90। सिंपल, 3x 2x 5x 90, सो x इक्वल टू 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, सो x की वैल्यू डिग्री कितनी आई, 18। अब x के अकॉर्डिंग हम a और b को फाइंड कर सकते हैं, सो हैंस एंगल a, हमने एंगल a को क्या लेट किया 2x, तो x के प्लेस पे 18 आया, 18 2 जा 36 एंड एंगल बी आपका 3x था, तो 3 into 18 3 जा 54, ऐड करके चेक कर सकते हैं 90 ही होगा। चलिए, हमें तो फाइंड करना सी, तो सी में आने के लिए अब गौर से देखिए, बी फाइंड हो गया, तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इसके कम से कम 3 या 4 ट्रिक हैं हमारे पास। तो चलिए आपको इजी वे पे चलते हैं, इसे अगर क्लोज कर दें तो गौर से देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, एम एन दिख रहा है। चलिए उस डायग्राम को बना भी लेते हैं, ये आपका एम है और इधर कॉर्नर पे एन है, राइट, यहाँ पे एरो भी कर देते हैं। एक लाइन आपकी बाहर गई है, इसी पॉइंट से गई है, यहाँ पे क्या है, बी है, गौर से देखेंगे तो
बी, और ये हमें फाइंड करना है सी। ये हो गया आपका सी, क्लियर। एक स्ट्रेट लाइन पे है, चाहे तो आप सप्लीमेंट्री राइट कर सकते हैं, लीनियर पेयर राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे राइट करिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स एट, किसमें? एम ओ एन, एम ओ एन, सिंपल। अब आप ऐड कर दीजिए बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, और लीनियर पेयर एंगल्स को हमने ऑलरेडी आपको बताया ये कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप 180 डिग्री कर दीजिए। एंगल बी ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 54, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। सो एंगल सी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, और ये 126 डिग्री आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी पी आर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें गिवन है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना पी क्यू एस पी आर टी, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम माय साइड। देखिएगा, आप इसे देखेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे सर रियली बहुत इजी था। चलिए प्रूव करते हैं, पी क्यू एस पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी, हमें ये प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे ये दोनों के इक्वल है। चलिए ठीक है, चलते हैं प्रूफ में। फर्स्ट गौर से देखिए इस डायग्राम को, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस बार हम फिंगर का यूज नहीं करेंगे, आपको ड्रा करके ही दिखाई दे रहा है। ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है, ये हमने एस यहाँ पे राइट किया, ये एस हो गया, यहाँ पे पॉइंट है आपका क्यू, ये हमने क्यू कर दिया, यहाँ पे एस कर दिया, ये आपका एक रे बाहर गई है, सोरे को पॉइंट पे टच है तो रे नहीं करते, चलिए एक लाइन कर देते, बस इतना ही हम ड्रा कर रहे हैं, क्लियर। अब ये बताइए इसमें आपके एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, टू एंगल्स है या नहीं, ये बस बताइए। और इस कॉर्नर पे आपका है आर, तो इस कॉर्नर में आप आर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आर है तो आर ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे लास्ट पॉइंट नहीं, तो आर हो गया। तो इसमें टू एंगल्स हैं या नहीं है, हैं, अगर ये दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर एंगल्स। चलिए राइट करते हैं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, एस क्यू आर, आप लिखना चाहें तो किसमें, एस क्यू आर। चलिए इसमें एंगल इससे आप देख के बोल दीजिए, यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है, तो एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर, प्लस पी क्यू आर, ये दो बोथ एंगल्स को हम ऐड करेंगे कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, क्लियर, इतना हो गया। चलिए अब ये समझ लीजिए कि ये लाइन नहीं है, इस बार इस लाइन की बारी है, तो इसका डायग्राम अलग करते हैं। तो ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह दिख रहा होगा, यहाँ पे पी ही है, फिक्स्ड है ये पॉइंट, यहाँ पे आपका आर है और इस कॉर्नर में आपका टी है, और इधर एंगल, इस साइड में एंगल, और इस कॉर्नर में आपका नेम है क्यू, इस पॉइंट पे हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे राइट किया वैसे इसका भी कर लीजिए, फिर से फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर एंगल्स एट क्यू आर टी। चलिए इसका भी आप एंगल्स शो करें, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर टी, पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया सेकंड इक्वेशन, इतना क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब आपका फाइनल आंसर हो गया, इसलिए तो सबसे इजी था ये। अब बोलेंगे सर आंसर कैसे, 180 से 180 कैंसिल हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या राइट है, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये आमने सामने हो जाएंगे लेफ्ट साइड, ये आपका इधर आ गया पी क्यू आर एंड पी आर टी, एंगल पी आर टी,
माफ कीजिएगा, सेकंड में हमने पी आर क्यू के प्लेस पे पी क्यू आर राइट कर दिया है। पी आर टी ठीक है, पी क्यू आर क्योंकि आर में एंगल है ना, आर क्यू यहाँ पे क्यू कैंसिल तो यही होंगे, लेकिन आप यहाँ पे राइट कर लेते हैं पी आर क्यू। अब ये क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं, हम उसी में फास्ट कर दिए। पी आर क्यू के प्लेस पे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू आर के प्लेस पे ऑलरेडी गिवन है पी आर क्यू, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, एस क्यू पी प्लस एंगल, चलिए पी क्यू आर ही कर देते हैं, यहाँ पे पी आर क्यू है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पी क्यू आर। किस रीजन से, गिवन है, गिवन क्या है, पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने राइट कर लिया पी आर टी। बोथ साइड है, ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया भाई, लेफ्ट में कैंसिल करेंगे तो ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो आपका बच गया उसको राइट कर लीजिए, तो एंगल पी क्यू एस या एस क्यू पी, देखिए एस क्यू पी बात तो एंगल की है ना, और एंगल हमेशा सेंटर पे होता है, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू एस है, तो आप चाहें तो इसे पी क्यू एस भी राइट कर सकते हैं, बस इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एंगल वही होना चाहिए सेंटर पे, तो यहाँ पे हमने पी क्यू एस किया है हर जगह, तो आप चाहें तो यहाँ पे पी क्यू एस राइट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी आप पी क्यू एस, यहाँ भी पी क्यू एस या एस क्यू पी भी करेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, इक्वल टू एंगल पी आर टी, और आप चेक कर सकते हैं जो हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड। अगर आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि सर आप एस क्यू पी क्यू पी क्यू एस क्यों राइट किए, तो इसी पे देख लीजिए, ये पी क्यू एस है राइट, पी क्यू एस जो आपका ये हमें फाइंड करना था। अब हम इसे एस क्यू पी किए तो कोई रॉन्ग थोड़ी है, क्लियर, बस क्यू आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसे एस पी क्यू नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर ये पी का एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही जैसा है। अगर आपको यही बोला जाए कि इन फिगर प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये जो गिवन है इसी को ही प्रूव करने के लिए बोला जाए, तो आपका हमने एक क्वेश्चन आपको ऐड करके बताया, तो आप इसी वे पे ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिकल भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ फिंगर कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लीनियर पेयर एंगल से x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और लीनियर पेयर से इधर आप इधर से हम जब देखेंगे तो w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल, देखिए w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर से अगर हम थंब करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, किससे, लीनियर पेयर, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से कैंसिल, और x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड जो आपका गिवन है, हमने गिवन को ही प्रूव कर दिया। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे हमें गिवन क्या है, ठीक है, गिवन में हमारे पास है सिर्फ ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, तो लाइन की डिफिनेशन क्या हुई, लाइन तो तभी होगा जब वो 180 डिग्री पे प्रूव करे, भाई लाइन में अगर एक पॉइंट है, श्योर है कि एक लाइन है, देखिए यहाँ पे ओ है, हमें ए ओ बी को लाइन शो करना है, तो एक पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट में ये जो लाइन गई है हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180, तो हमें यही तो प्रूव करना है कि ए ओ बी की वैल्यू या डिग्री 180 हो जाए, सिंपल। तो टू प्रूव ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल, या फिर x प्लस वाई, अब ए ओ बी में आपका x प्लस वाई भी एंगल है और w प्लस जेड, सिंपल, तो ए ओ बी इक्वल टू 180, या तो फिर आप बता दीजिए कि इज अ लाइन, ठीक है, ए ओ बी इज अ लाइन, या तो फिर ए ओ बी इज अ लाइन, चलिए प्रूव करते हैं, वो तो बातें होंगी फिर। सो फर्स्ट आप देखिए स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट, हमने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि एक पॉइंट में कितने डिग्री होती हैं, पॉइंट पे, तो आप क्या बोलेंगे 360, कैसे, एक पॉइंट से आप जितना भी रेडियस ले लीजिए
और इसे राउंड करिए तो ये कितने डिग्री का हुआ यहाँ तक, डायमीटर 180 डिग्री, और अगर हम एक इसे और एक राउंड कर दें तो 180 180 180 360, सिंपल। अगर हम इसी पॉइंट की बात करें और ये पूरे एंगल्स को ऐड कर दें, पूरे एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री हो जाएंगी, 360 डिग्री, सिंपल। तो आप सबसे फर्स्ट राइट करिए कि फ्रॉम कंप्लीट एंगल्स, इसे कंप्लीट एंगल्स बोल सकते हैं, फ्रॉम कंप्लीट एंगल्स, ठीक है, 8.0 कहाँ पे, ओ पे, तो सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए 360। सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड इक्वल टू 360 हो गया प्रूफ। कैसे सर, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है एक्स प्लस वाई के प्लेस पे हम डब्लू प्लस जेड कर सकते हैं या डब्लू प्लस जेड के प्लेस पे एक्स प्लस वाई, अब आपको क्या पसंद है आप अपनी स्वेच्छा से राइट कर सकते हैं एज यू विश। तो चलिए हम डब्लू प्लस जेड को ही चेंज कर देते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, किस रीजन से, क्योंकि डब्लू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई यह हमें गिवन है इक्वल टू 360। एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे तो टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हो जाएगा और ये आपका फाइंड हो गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 अपॉन टू 180 डिग्री, सिंपल। सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। और हम इसे किससे प्रूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे राइट करिएगा बाय लीनियर पेयर एंगल्स, किसे प्रूव कर रहे हैं, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, ये आपका प्रूफ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।